फेज शिफ्ट की। फेज का मतलब होता है एंगल, तो जब हम एंगल का परिवर्तन करते हैं वन के लिए अलग जीरो के लिए अलग, इसी को हम फेज शिफ्ट कीइंग कहते हैं। यह भी डिजिटल मॉड्यूलेशन का तरीका है। तो फेज शिफ्ट कीइंग में या PSK में जो फेज है कैरियर का, कैरियर वेव का, इसको हम परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं, ताकि हम सिग्नल को भेज सके। अलग अलग फेज में अलग अलग आपकी बिट स्ट्रीम जाएगी। ओके, अगर हम मैं बाइनरी PSK के बारे में बात करूं, बाइनरी मतलब दो, तो हम यहां दो अलग अलग सिग्नल यूज कर सकते हैं। एक हम यूज करेंगे जब फेज जीरो होगा, एक हम यूज करेंगे जब फेज 180 डिग्री होगा। पहले मैं आपको फेज बता दूं, अगर आपको याद होगा ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो अगर मैं एक लाइन इसी के ऊपर बना दूं तो फेज है जीरो। इसी लाइन को अगर मैं इधर ले आऊं तो एक्स एक्सिस से जो ये एंगल बना रहा है इसको 180 डिग्री कहेंगे। अगर यही लाइन है इसी के ऊपर रख दी तो एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बना रहा है ना, तो इसी को हम जीरो कह रहे हैं। और जो 180 डिग्री पे गया एक्स एक्सिस से बना रहा है, ये हो गया वन। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसको कहते हैं कॉन्स्टलेशन डायग्राम, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब बिट जीरो होगा तो फेज जीरो, जब भी फेज जीरो दिखाई देगा रिसीवर इसे रिसीव करेगा, वो कहेगा कि बिट हमको जीरो मिला है। जब रिसीवर फेज 180 डिग्री रिसीव करेगा जो कैरियर सिग्नल है, तो उसको वन बताएगा। ठीक है जी, फेज शिफ्ट कीइंग, इसमें जो कैरियर वेव होता है उसको हम जीरो या फिर 180 डिग्री में शिफ्ट करते हैं हर एक सिंबल पीरियड में, क्योंकि इसमें दो फेजेस हैं, इसीलिए इसको BPSK या बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग कह रहे हैं। बाइनरी यहां पर हम दो सिंबल के बारे में बता रहे हैं, ये नहीं कि जो सिंबल है उसमें दो बिट्स हैं। दो सिंबल मतलब अगर आप जीरो और वन भेजना चाह रहे हैं तो आपका ये बाइनरी हो गया। इसके अलावा आपका QPSK है, पहले मैं आपको यही बता देता हूं फिर QPSK पे ले जाता हूं। देखिए यहां पर आप वन भेजना चाह रहे हैं तो आप यहां पर गए ये वन, लेकिन जैसे ही आप जीरो पे गए आपने यहीं से शिफ्ट चेंज कर दिया, ये जो है ना यहां पर आपने फेस चेंज कर दिया, फिर आप गए क्योंकि जीरो से वन पे गए तो यहां पर आपने फेस शिफ्ट किया, क्योंकि यहां से वन पे जा रहे हैं तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, सीधे गए आप वन से जीरो पे जा रहे थे यहां पर आपने फेस शिफ्ट कर दिया जीरो और 180 डिग्री, क्लियर हो गया। अब ये इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं आपको बताऊं कि मैं हम जैसे दो हमने दे दिए एक जीरो और 180 डिग्री, तो यहां तो तमाम एंगल है, बहुत सारे एंगल है, क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करें। तो अगर हम चार, अगर हम चाहते हैं मान लीजिए एक साथ दो बिट भेजना, तब हम क्या करेंगे कि ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 45 डिग्री, इसी लाइन को मैं यहां बना रहा हूं, ये कितना एंगल हो गया 135 डिग्री, इसी को यहां बना लिया जाए, अब ये एंगल कितना हो गया आपका 225 डिग्री, यहां पर ये लाइन बना दी जाए, अब ये पूरा एंगल कितना हो गया 315 डिग्री। तो 45 डिग्री पे जब होगा तो हम कह रहे हैं कि भाई ये जैसे 0 0 1 0 1 0 0 1 1, तो मान लीजिए 45 डिग्री है, इस पे हम 0 0 भेज सकते हैं, एक फेज 45 डिग्री पे, दूसरा 135 डिग्री पे हम 0 1 भेज सकते हैं, जो 225 फेज मिलेगा तो 10 मान लिया जाएगा, और जब 315 डिग्री होगा तो 11 मान लिया जाएगा। एक एग्जांपल हो गया, तो इसको आप इसके तहत समझिए, ये 45 डिग्री हो गया, ये 135, ये 225, ये 315 डिग्री। तो क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग का मतलब है, क्योंकि ये बाइनरी था तो दो सिंबल थे, यहां पर QPSK है यानी कि चार शिफ्ट है यहां पर, एक दो तीन चार,